अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और अजीब वीडियो वायरल हुई, जिसमें काजी साहब को कहा गया कि आपके ऊपर लाना। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नौ नौ स्ट्रॉबेरी कर लें और नौ क्लासिक चॉकलेट कर लें, और सही है वो अलग अलग डब्बे में। फिर एक और डब्बा खोल लें, ये डब्बा आगे आगे करके इतना बड़ा नहीं होगा। एक डब्बे में कितने आते हैं? एक डब्बे में कितने आते हैं? आप ईसा फाइज हैं? आप ईसा फाइज हैं? लेकिन आप ईसा फाइज हैं क्यों? फर्क पड़ता है, ऑर्डर नहीं कर सकते? लाना तो आप पे। हाँ? लाना तो आप पे। लाना से आप पे। लाना तो आप पे, मैंने कहा। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि फैमिली के सामने इस तरह की कोई भी हरकत की जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ, अगर एक तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो उसमें ये है कि इनके साथ जो भी हुआ, काजी फ़ैज़ ईसा साहब को इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि उनके साथ ये अगर हुआ तो क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी अपने फ़ैसलों पर गौर करना चाहिए कि क्या कहीं ये आवाम की आवाज़ तो नहीं है जो कुछ भी इस लड़के ने कहा। और फिर उसके बाद अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि उस लड़के को और उसकी पूरी फैमिली को अगवा कर लिया गया है। अगर ये जुर्म था तो काजी साहब को उस पर एक केस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। तो अगर आज ये सही फैसले कर रहे होते तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती और इन्हें यह सब कुछ ना सुनना पड़ता, बल्कि लोग इनको झुक झुक कर सलाम करते और जो डोनट के पैसे हैं शायद वो भी ना लेते। लेकिन उल्टा उन्हें उस बेकरी से निकाल दिया गया।